एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, भारत के प्रति उसकी निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती। इसका कारण है भारतीय संस्कृति का लोकाचार, जो वसुधैव कुटुंबकम के मूल दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत की संस्कृति से प्रेम करने वाला कोई भी नागरिक किसी भी देश में रहता हो, वह दुनिया को भारत की संस्कृति से जोड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परंपरा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, एक संस्कार की सरिता है। भारत वो शीर्ष चिंतन है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत अपने साथ संपूर्ण मानवता, संपूर्ण दुनिया के कल्याण की कामना करता है। इसीलिए हंगरी में कृष्णा वैली भारतीय सांस्कृतिक केंद्र हो, या संयुक्त अरब अमीरात में बना स्वामी नारायण मंदिर हो, किसी भी देश में जब भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित कोई मंदिर खड़ा होता है, तो वो उस देश के मूल्यों को भी समृद्ध करता है। जैसा कि हंगरी में कृष्णा वैली भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और इको फार्म यूरोप के सबसे बड़े और सबसे पुराने इको विलेज में से एक है। यह यूरोप के ग्लोबल इको विलेज नेटवर्क का सदस्य है और इसके अनुसंधान संस्थान को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। कृष्णा वैली के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। करीब 300 हेक्टेयर फार्म की स्थापना 1993 में लोगों को प्राचीन वैष्णव संस्कृति के मूल्यों, आत्मनिर्भरता, जैविक खेती, गाय संरक्षण, शाकाहार और साथ ही प्राकृतिक ईश्वर आश्रित जीवन शैली के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। 150 भिक्षुओं और परिवार वाले समुदाय का केंद्र राधा श्याम सुंदर मंदिर है, जिसे स्थानीय स्थापत्य शैली में बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर बड़े पैमाने पर भारतीय रूपांकनों, स्तंभों, रंगीन डियोरामा और चित्रों से सजाया गया है। इतना ही नहीं, परिसर में भारतीय शैली के मंडप, तालाब, विशाल हाथी की मूर्तियां और पौधों की विशेष प्रजातियां दिखाई देती हैं। पारंपरिक भारतीय स्थापत्य शैली और तत्वों से युक्त यह हंगरी में वास्तव में एक अनूठा दृश्य है। असल में कृष्ण चेतना की उत्पत्ति भारत में हुई और यह हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध रूप है। 1960 के दशक में एकेश्वरवादी कृष्ण आस्था पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कृष्णा वैली भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और इको फार्म का भ्रमण किया, तो हंगरी की धरती पर भारतीय संस्कृति और दर्शन के साथ साथ पर्यावरण केंद्रित जीवन शैली को देखकर अभिभूत हो गए। हाल ही में हंगरी जाने का अवसर हम सबको मिला एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल में, हंगरी की संसद के निमंत्रण पर। हंगरी की राजधानी से लगभग 147 किलोमीटर दूर, यानी बुडापेस्ट से 147 किलोमीटर दूर बताया गया हमें कि एक कृष्णा वैली है। कृष्णा वैली यानी कृष्णा घाटी, यह हमारे लिए रोचक था। हमें सूचना मिली कि वैदिक विलेज है और इस्कॉन ने इसे बनाया है। वहां हमें स्वामी राधा कृष्णदास जी मिले, जो भी इसका कामकाज देखते हैं। पता चला कि इसकी स्थापना 1993 में स्वामी शिवराम कारंत जी ने की थी। वह ब्रिटेन पढ़ने गए, मूलतः रहने वाले हंगरी के थे। वहाँ वह इस्कॉन के संपर्क में आए और गीता से बहुत ही प्रभावित हुए जी। ऐसी सूचना मिली कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गीता का अनुवाद हंगरी की भाषा में किया। हमारी उत्सुकता हुई, हम साथ तीन सांसद थे और हमारे प्रतिनिधिमंडल में भारतीय संसद के अधिकारीगण थे।
हम लोग वहाँ गए, वह अनुभव अविस्मरणीय है। लगभग 660 एकड़ में कृष्णा वैली है। इसमें वहाँ रहने वाले लोग यानी हंगरीवासी बिल्कुल वैदिक ग्राम में जो सनातन परंपरा में लोग रहते थे उस तरह के जीवन शैली अपना चुके हैं। वे धोती कुर्ता पहनते हैं, वे अपने घर घर में सोलर रखा, उन्होंने बाहर से वो बिजली नहीं लेते, पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं। वहाँ गौशाला देख करके बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। उस गौशाला में गायों का एक एक नाम उन्होंने रख रखा है, भारतीय नाम, और बड़े रोचक। उन्होंने बताया कि इन गायों की परवरिश और सेवा वो इस कदर करते हैं, इतने तन्मय होकर करते हैं कि गायें जब नहीं रहती तो उनका वो फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार करते हैं, बहुत माला वगैरह लगा करके। वहाँ जो स्कूल चलता है उसमें बच्चे धोती कुर्ता वो सभी पहनते हैं, बाकी शिक्षा के अलावा यानी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत की शिक्षा लेते हैं, और 30 तरह की स्वैच्छिक उन्हें शिक्षाएं जिसमें अपनी सफाई, घर का काम काज रखना, खेती करना, सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, सारे स्किल्स उन्हें दिए जाते हैं। वे जब पढ़ करके लौटते हैं तो गौ सेवा भी करते हैं स्कूलों से, यानी स्कूलों में परंपरागत जो आपके यहाँ गुरुकुल की एक परंपरा थी उस गुरुकुल की परंपरा में शिक्षा देना, संस्कृत का ज्ञान देना। वहाँ बहुत सुंदर कृष्ण का, कृष्ण और राधा जी का मंदिर है, और वहाँ बाकायदे बहुत सुंदर जैसा इस्कॉन में होता है उनका भोजनालय है, सात्विक भोजन आपको मिलेगा, और सारी खेती परंपरागत ढंग से बिल्कुल होती है। बैलों का कोल्हू मैंने बचपन में अपने गांव में देखा था जिससे तेल निकाला जाता था, उस कोल्हू को बड़े पैमाने पर बहुत मतलब यंत्र वगैरह लगा करके आधुनिक स्वरूप देकर उसे बिजली से लेकर और बड़े लकड़ी काटने तक के लिए सारे गंभीर बड़े काम भी किए जा सकते हैं, ये मैंने वहीं देखा। जो लोग कोल्हू का बैल जैसे आप जानते हैं बैठकर चलाना पड़ता है, तो जो वहाँ पर विदेशी हंगेरियन उसको चला रहे थे संस्कृत में बैलों से बात कर रहे थे, गच्छर, तो बैल चलना शुरू करते थे। यानी इस तरह की शिक्षा का आज वहाँ के जीवन में महत्व क्या है हमने पूछा, और इस आश्रम के फाउंडर और इन सब लोगों को हंगरी के बड़े सम्मानजनक पुरस्कार मिले हैं। हमारी सूचना के अनुसार वहाँ बड़ी संख्या में, यानी हंगरी में जो कुल यात्री आते हैं उससे कई गुना अधिक यात्री इस इको विलेज को देखने के लिए आते हैं। हमने पूछा कि इसका क्या आपके जीवन में महत्व है, उन्होंने कहा कि देखिए आज दुनिया सबसे जिन गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई है उनमें एक चुनौती है पर्यावरण की। हमारी जो पूरी जीवन शैली है वो पर्यावरण को समृद्ध करती है, पर्यावरण का नुकसान करके हम अपनी जीवन शैली उपभोक्तावादी जीवन शैली नहीं जी रहे हैं, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है उनके जीवन में। दूसरा कि जो जैसे मतलब उसके जो अप्रत्यक्ष प्रभाव अगर आप मुझसे पूछें तो आज पश्चिम में सारी समृद्धि के बावजूद, भौतिक ऊंचाई पा लेने के बावजूद आज मनुष्य के अंदर अकेलापन है, आज परिवार की संस्थाएं बिखर रही हैं, आज लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। वैसी स्थिति में परंपरागत जीवन शैली जो सनातन धर्म की रही है वो समाज को बांधने वाली है, वो समाज को जोड़ने वाली है, उसका लाभ उस समाज को मिल रहा है। गायों के पालन पोषण के तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब भारतीय लोग अपने गायों की सेवा करते हैं तो उसकी दूध की मात्रा बढ़ जाती है जो बाकी यंत्रवत ढंग से सेवा होती है, तो एक जो उसमें आत्मीयता का बोध, यानी हमारे यहाँ सनातन मान्यता है कि इस जगत के जो भी जीव हैं वो पूरी सृष्टि के हिस्सा हैं, तो यहाँ जिस रूप में हम गायों की या पशुओं की या पूरे प्राणी मात्र की सेवा करते हैं उसको अपना ही अंश मानते हैं, तो उस अंश से वहाँ जिस रूप में गायों की सेवा होती है लोगों ने पाया कि दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ये अलग चीज़ है, ये कहने का अर्थ ये है कि पूरी जीव और आत्मा यानी एक तरह के जीवंत माहौल जिसमें पूरा समाज एक साथ रह रहा है,
अपने परंपरागत ढंग से अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है और बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से दूर, उपभोक्तावादी मानस से दूर एक बेहतर आत्मीय प्रसन्नता के माहौल में जीना, ये उनके लिए बड़ा सुखद अनुभव। आज तक जो यूएई पूरी दुनिया में बुर्ज खलीफा के लिए मशहूर था, अब यह हिंदू मंदिर के लिए पूरी दुनिया में पहचान बना रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वैसे जब से यह मंदिर बन रहा था तभी से यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। इस भव्य मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दान में दी गई है। 27 एकड़ भूमि पर बने इस मंदिर को बनाने में कुल 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। मंदिर में 7 शिखर हैं और बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण और शिव पुराण की पौराणिक कथाओं के साथ और भगवान जगन्नाथ की यात्रा की झलक भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही मंदिर के पास ही गंगा और यमुना के पवित्र जल के साथ एक गंगा घाट भी बनाया गया है। दरअसल इस मंदिर के जरिए भारत और यूएई ने भारतीय जीवन दर्शन की नई गाथा लिख दी है। जैसा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी कहते हैं, जब हम लोग गए अभी हाल ही में यूएई के उस मंदिर को, भव्य मंदिर को देखने का अवसर मिला, हमें बताया गया कि हम जिस दिन गए थे उसके 2 दिनों पहले संडे को लगभग 60,000 से 70,000 के बीच वहाँ लोग आए अलग अलग धर्मों के उसको देखने के लिए। इतना भव्य और सुंदर मंदिर यूएई में बन पड़ा और वो सारे धर्मों को एक तरह से के लोग आते हैं, वो प्रतीक है। तो यानी मनुष्य के लिए एक आस्था और विश्वास का नया केंद्र। इसका श्रेय अगर कहा जाए तो भगवान स्वामीनारायण मंदिर की जो परंपरा है, जिसे हम बाप्स कहते हैं, इसमें इसके प्रमुख स्वामी जी महाराज बताया गया वहाँ हमें, जो अभी प्रमुख स्वामी जी महाराज वहाँ पर हैं यूएई में, उन्होंने बताया हमें कि इसकी कल्पना लगभग आज से बहुत वर्षों पहले 1997 में जब इस स्वामीनारायण टेम्पल के जो प्रमुख महाराज थे उन्होंने शारजा में, मतलब एक तरह से कहें कि शारजा वगैरह में आप जाएं तो बालू के ढीए और जगहें मिलती हैं, वहाँ बैठकर कल्पना की थी कि यूएई में बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। अब आप सोचिए कि उस वक्त यह कल्पना साकार रूप लेगी, ये एक तरह से असंभव ख्वाब जैसी बात थी। लेकिन 27 वर्षों बाद बाप्स संस्था और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का प्रभाव और वहाँ बाप संस्था के जो वहाँ यूएई में जो इस संस्था के प्रमुख स्वामी जी अभी हैं, जिनके उसमें देखरेख में सब बना, इनके प्रयास से यह मंदिर साकार हो पाया। ये यूएई गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो पहले यूएई के जो प्रेसिडेंट साहब हैं यानी हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जायद जी, उन्होंने प्रमुख स्वामी जी के महाराज के साथ इसकी सहमति दी कि मंदिर बन सकता है। ये सहमति ही अपने आप में एक बड़ी घटना थी कि खाड़ी के देशों में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 16 अगस्त 2015 को यूएई सरकार ने जमीन आवंटन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी की यात्रा के तुरंत बाद। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि बाप्स ने 1200 भव्य मंदिर दुनिया में बनाए हैं और इसमें यह मंदिर इतना भव्य और सुंदर, इसकी परिकल्पना जब आप देखेंगे तो लगेगा कि आप एक शिल्प के अद्भुत अनूठे अनूठी कृति जहां हुई है उसके सामने आप खड़े हैं। हमें बताया गया वहां कि 18 लाख ईंटें इसमें लगी हैं, 7 लाख मैन आवर इसमें लगे हैं। अब बहुत कम 4-5 वर्षों में, वो भी कोरोना के दौरान, इस भव्य मंदिर का, ऐतिहासिक मंदिर का, मतलब ये एक तरह से भविष्य के लिए एक शानदार इतिहास बनाने वाले अध्याय का बीजारोपण हुआ और कम समय में ये मंदिर बन पाया। इसमें लगभग 1.8 लाख क्यूबिक मीटर सैंडस्टोन लगा है और इटली से संगमरमर आए, नैनो टाइल्स जो इसके उसमें फ्लोर में लगे हैं ताकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन्ड हर मौसम में रहे। यहाँ गंगा और अन्य नदियों की, यमुना की कल्पना की गई है उस रूप में।
20,000 टन पत्थर 700 कंटेनर में भारत से गए, राजस्थान और गुजरात से ले जाए गए। और इसके अलावा वहाँ पर बड़े भव्य तरीके से आपके लगभग 402 मार्बल पिलर्स बने हैं, और कोई पिलर एक दूसरे की तरह नहीं है, सारे पिलर डिफरेंट। उसमें इतनी मतलब बारीक नक्काशी, जो आप मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण इतिहास में देखते हैं, वो आपको देखने में मिलेगा। वो हाल ही में कुछ ही महीनों पहले उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर जो उन्होंने यात्रा की उसके दौरान हुआ और दुनिया ने देखा, वो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि किस तरह से सारे धर्मों के लोग वहाँ आ रहे हैं। और इस भव्य मंदिर में जो अलग अलग हमारे सनातन धर्म और बाकी जो स्वामीनारायण भगवान ने जिन मूर्तियों को स्थापित किया और रखा मंदिर में, वो सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो देखकर आपको अद्भुत अनुभव होता। दरअसल 2014 के पहले भारत की सॉफ्ट पावर को, भारत की सनातन धर्म के सत्व को, जो पूरी मानवता की बात करता है, उससे दुनिया बहुत शायद वाकिफ नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हंगरी में योग आज इतना पॉपुलर है, और हंगरी में यह जो संस्था है इस्कॉन की या कृष्णा वैली, इन्होंने आसपास के देशों में भी, जिसमें कई देश ऐसे हैं जो अलग अलग धर्मों पर विश्वास करते, उन देशों में भी जाकर गीता का उनकी भाषा में अनुवाद करना, इस जीवन दर्शन के बारे में बताना, बड़े पैमाने पर वो काम कर रहे हैं। और कहते हैं कि लोकप्रिय हैं क्योंकि यह धर्म आपस में साथ मिलकर के काम करना सिखाता है। यह धर्म आपस में हम कैसे एक मनुष्य होने के नाते जुड़ करके पूरी मानवता को आगे ले जाने की बात करें, इसकी चर्चा करता है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि भारत को पहले दुनिया जानती थी, मैंने कुछ ही दशक पहलों तक, कि वह साधुओं का, सपेरों का, जादू टोना करने वालों का, गरीबों का कुछ ऐसा एक मुल्क है। पर भारत दुनिया में अपनी एक सांस्कृतिक विशिष्ट पहचान रखता है, उसके योग और दर्शन हजारों हजार वर्ष पुराने हैं। यह वह दर्शन है जो मानवता को चुनौतियां जब भी मिली हैं उसमें नया रास्ता दिखाने की क्षमता रखता है, इस रूप का परिचय अब दुनिया कर रही है। यह धर्म आपस में संघर्ष की बात नहीं करता, यह धर्म कैसे हम आपस में सहस्तित्व के साथ रहकर काम करें, इसकी चर्चा करता है। यूएई में, यूएई के जो उदार महान शासक वहाँ के हैं, उन्होंने इस धर्म के शब्दों को पहचाना होगा, और उन्होंने इस मंदिर को बनाने की पूरी तरह से, जो वहाँ के स्वामी जी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पूर्ण रूप में जैसे मंदिर बनता है वैसे आप इसको बनाएं। तो ये मतलब यूएई के शासकों की उदारता, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अपना एक प्रभुत्व और प्रभाव है वो, और इस जैसे इस्कॉन के काम, ये दुनिया में और नए 14 के बाद जो योग से लेकर के और भारत के बारे में जानने की उत्कंठा जो दुनिया में बढ़ी है, इससे भारत को एक नए ढंग से, भारत को एक आत्मविश्वास से भरे देश, भारत उभरता हुआ मुल्क, भारत जो दुनिया को एक नया संदेश दे सकता है, वैसे मुल्क के रूप में देखते हैं। जैसे बहुत पुराने ऐसा कहते हैं कि कई इतिहासकारों ने पश्चिम के लिखा है कि जब दुनिया की सभ्यता संकटग्रस्त होगी तो उसकी रोशनी बचाने की भारत जैसे मुल्कों से मिलेगी। गांधी के ज़माने में कहा गया, उस दौर में कहा गया, आज दुनिया उस स्वरूप को भारत का देख रही है।